हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के रिलेटेड। व्हाट्सएप में आपको नोटिफिकेशंस नॉट वर्किंग दिखाती हैं, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस नहीं आती है जब कोई आपको एसएमएस करता है। उसके बाद नोटिफिकेशन के थ्रू वो आपको कन्फर्मेशंस नहीं दिखाई देती हैं। तो गाइस, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये आता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को गौर से देख लेना है। यहाँ पर जो है हम एक आर्टिकल्स पर हैं जो कि WhatsApp की तरफ से लिखा गया है और इसमें इसका सारा सोल्यूशन बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ कि किन किन सिचुएशंस में ये आपकी नोटिफिकेशन प्रॉब्लम आती है। बाकी यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूँगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने पहला लिख रखा है, यहाँ पर मेक श्योर बैकग्राउंड डेटा इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप चेक कर लीजिए कि आपका बैकग्राउंड का डेटा जो है रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा यहाँ पर ये है कि आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद सेटिंग्स में जाकर एप्लीकेशन को भी रिसेट कर लीजिए। बस यहाँ पर ये दूसरा ये है। और तीसरा यहाँ पर व्हाट्सएप वेब जो है आपने लॉकआउट कर रखा है या नहीं कर रखा है, ये भी चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर वाईफाई से आप चला रहे हैं तो वाईफाई को भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर ये सब कुछ बताया गया है। वो सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर ओएस की जो है एडिशनल सेटिंग्स दी गई हैं कि इन मोबाइल में जो एंड्रॉयड 4.1 है और 4.4 है, तो यहाँ पर ऑटो स्कैन डेटा ट्रन इज़ ऑन योर डेटा, तो यहाँ पर ये सब कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आपके पास कुछ नए तरीके का फ़ोन है जो कि 2017-18 का है, तो यहाँ पर आप इस प्रोसेस को ले सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा पुराना प्रोसेस है या थोड़ा सा पुराना हैंडसेट है आपके पास, तो यहाँ पर अगर इस वीडियो पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं उस फ़ोन के अंदर भी बता दूँगा। तो यहाँ पर 6.0 प्लस में यहाँ पर जो दिखाया गया है वो यहाँ पर सेटिंग सेट डू नॉट डिस्टर्ब वाली, यहाँ पर इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि ये डू नॉट डिस्टर्ब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक स्टेप्स को लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड डेटा को देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बैक आना होगा आपको, और बैक आने के बाद सेटिंग्स में जाना होगा अपने मोबाइल की। मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे तो सबसे नीचे आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको मिलेगी इंस्टॉल्ड ऐप्स। तो इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर भी चले जाना होगा। इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप जो है ऊपर ही मिल जाएगा। तो WhatsApp को खोल लेना है, ये रहा WhatsApp, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज। तो आपको ये देखना है कि किसी पर अनटिक है तो उस पर टिक लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप पहले डेटा से यूज़ कर रहे हैं, दूसरे डेटा से यूज़ कर रहे हैं या किसी से भी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर उसको अलाउ कर देना होगा। देन यहाँ पर दूसरा ये बता रखा था नोटिफिकेशंस यहाँ पर 100 नोटिफिकेशंस होती है, डू नॉट डिस्टर्ब्स वाली सेटिंग्स ही होती हैं ये। तो आपका ये जो है अनटिक नहीं रहना चाहिए, इसको आपको टिक लगा देना है, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है और यहाँ पर व्हाट्सएप को रीसेट कर देना है। यहाँ पर जो आप फोर्स स्टॉप करेंगे तो आपका व्हाट्सएप रीसेट होगा। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। फिर व्हाट्सएप जो है दोबारा व्हाट्सएप में जाइएगा, तो मेरा व्हाट्सएप इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग्स में, सॉरी, आपको व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना है। तीन डॉट डॉट के आइकन दिखेंगे, इस पर क्लिक कर देना है और सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पर फिर आपको नोटिफिकेशंस दिखेंगे, नोटिफिकेशंस में जाना है और यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपने कोई ऐसा ऑप्शन, तो यहाँ पर जैसे कि ये है, इसको बंद तो नहीं कर रखा, बाकी नोटिफिकेशंस को आपको बंद तो नहीं कर रखा, ये आपको चेक कर लेना है। बाकी आपको और कुछ नहीं करना, बस इतना ही प्रोसेस था इसको ठीक करने का। और अगर यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी जो लिखा हुआ था, जो टर्म एंड कंडीशंस थी, वो बाकी सब मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है ये मैंने आपको पूरी बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना, लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। नंबर हमारा आपको व्हाट्सएप का जो है या फिर कॉलिंग का आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप जो है वहाँ पर उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।